वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी में अग्निवीर को दिया जाएगा 10% आरक्षण। वही साथ ही आगे आपको बता दें, अग्निवीरों को यूपी में पुलिस और पीएसी में मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी मिलेगी छूट। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेंड मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई।